अमृतसर के डीसी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में आज करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि आग एकाएक इतनी तेज सी बड़ी कि जिसे देखते ही सारा स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और तुरंत वह कार्यालय के बाहर आ गए। इसके बाद तुरंत नगर निगम के फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, लेकिन डीसी कार्यालय तक पहुंचने में फायर ब्रिगेड को भी 30 घंटे का समय लग गया। तब तक आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 3 फायर इंजन भी कम पड़ गए। डीसी रवि भक्त ने तुरंत सेना, एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी फायर इंजन भेजने के लिए कहा। डीसी के मुताबिक आग लगने के कारणों का बाद में पता लगेगा, फिलहाल उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आर्मी, एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट कर रही, उनकी फायर ब्रिगेड भी आ रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फायर ब्रिगेड ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट। कैसे लगी उसका कारण तो अभी बाद में पता लगेगा, वो हम लोग प्रॉपर उसकी इंक्वायरी करेंगे कैसे लगी। अभी हम लोग प्रायोरिटी है कि एक तो ह्यूमन लाइफ कोई लॉस नहीं होना चाहिए और जो फायर है वो अंडर कंट्रोल आएगी फायर के। ये रिकॉर्ड काफ़ी पुराना है जी, रिकॉर्ड तो बहुत पुराना है, जो पूरा हॉल है रिकॉर्ड से भरा हुआ जी। अभी एक बार कंट्रोल कर लें, उसके बाद में फिर करते हैं। अमृतसर से अजा टीवी न्यूज़ के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।